दोपहर प्राइम टाइम में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के कर्तव्य पथ की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार है। पीएम मोदी कल इसे देश को समर्पित करेंगे। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला राजपथ और इंडिया गेट के इर्द गिर्द घूमने वाला पूरा इलाका रीडेवलप किया गया है। इसे ही सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का नाम दिया गया है। हालांकि अब इसका नाम सेंट्रल विस्टा के बजाय कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया गया है। एनडीएमसी ने राजपथ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब हम आपको कर्तव्य पथ की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये सेंट्रल विस्टा का फर्स्ट लुक है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तीन तस्वीरों से देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी ने राजपथ को किस तरह से कर्तव्य पथ में बदल दिया है। और ये सेंट्रल विस्टा की आप तस्वीर देख रहे हैं। अब आप राजपथ, जिसे आप जानते थे राजपथ के नाम से, उस ओर जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। ये सेंट्रल विस्टा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम अब बदल दिया है, कर्तव्य पथ रख दिया है। एनडीएमसी की बैठक में इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया है और कल प्रधानमंत्री इस पूरे इलाके को, सेंट्रल विस्टा को, देश को समर्पित करेंगे और इसका नाम अब राजपथ नहीं होगा, इसका नाम होगा कर्तव्य पथ। और ये बेहद खूबसूरत नजारा जो आप देख रहे हैं वो सेंट्रल विस्टा का है, जिसे पहले आप राजपथ के नाम से जानते थे, जिसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी है। मैं अपने सभी कॉलीग्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन सब ने मिलकर ये आज फैसला लिया, और इस फैसले के पीछे जो इतिहास है वो भी आपको बताना चाहती हूँ कि इतिहास है कि इस जगह का नाम पहले किंग्सवे होता था और दूसरी जो सड़क है जो इससे मिलती है उसका नाम क्वींसवे होता था। तो क्वींसवे को बदल कर आज़ादी के बाद जनपथ किया गया, लेकिन जो किंग्सवे था उसका नाम राजपथ कर दिया गया। उसका सही मायनों में राज की जो विचार था उसको नहीं बदला गया, लेकिन आज़ाद भारत में जब लोकतंत्र का माध्यम हमने सरकारी तौर पर चुना तो जो हम सबकी प्रेरणा है, वो प्रेरणा जो है वो अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है, इसलिए नाम कर्तव्य पथ बदलकर रखा गया है। सेंट्रल विस्टा को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, हमला करता नजर आ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि इस प्रोजेक्ट की देश को बेहद जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए पहला राजपथ इंडिया गेट को ठीक करके नया बनाना, ये एक लक्ष्य था। इसके अलावा पुरानी पड़ चुकी चीजों को वहां पर जीर्णोद्धार करना, वहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम करना और नया सामान लगाना, ये भी इसकी जरूरत थी। क्यों जरूरत पड़ी उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। आम लोगों और सैलानियों के लिए अब नई सुविधाएं होंगी। ट्रैफिक की पहले लोगों को दिक्कत होती थी, अब पैदल इस रास्ते में सफर कर सकेंगे। पैदल चलने वालों के लिए नई सुविधाएं होंगी। पाथवेज बनाए गए हैं, वॉकवेज बनाए गए हैं, जो वहां पर मॉडिफिकेशन का काम हुआ है, ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, उसके तहत आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरा हरा, हरियाली से ग्रीन एरिया आपको नजर आएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों और आयोजनों के लिए अब खास इंतजाम किए जा सकेंगे, अलग से कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए अब आगे हम आपको कुछ और तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि आखिर इंडिया गेट के आसपास का इलाका अब कितना बदल गया है, पहले से ज्यादा कितना बदला है। दो तस्वीरों के जरिए आप बदलाव देखिए, एक तस्वीर पुराने राजपथ की जो कि अब कर्तव्य पथ कहलाएगा, दूसरी तरफ नए की। तो देखिए पहले आप देख रहे हैं गार्डन था, लेकिन शायद उतनी साफ सफाई नहीं हुआ करती थी। दूसरी तस्वीर में आप देखिए चौड़ी रोड और बिल्कुल साफ सुथरा, जहां से लोग आसानी से वॉकिंग कर सकेंगे, यहां से चल कर जा सकते हैं। और अब नई तस्वीर आप समझिएगा, इस नए और पुराने कैनाल की तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। अब देखिए सौंदर्यकरण का काम यहां पर किस तरह से हुआ है। पहले में शायद ये नजारा आपको इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा था, लेकिन दूसरी तस्वीर अब की है जब इसमें बदलाव किया गया है, इसके सौंदर्यकरण पर काम किया गया है, तो ये तस्वीर आपको बदली बदली सी नजर आ रही है। पानी बिल्कुल साफ सुथरा, आसपास ग्रीनरी नजर आ रही है। अब सेंट्रल विस्टा में पाथवे कैसा लगेगा वो भी देख लीजिए। 8000 से ज्यादा करोड़ की लागत से ये बना हुआ है। पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इतनी साफ सफाई सड़कों पर नजर नहीं आती थी, और अब में देखिए गार्डन को और बेहतर तरीके से बनाया गया है, साथ ही जो रोड है उसे और चौड़ा किया गया है।
आने जाने वालों के लिए अलग से जगह छोड़ी गई है। जो लोग यहां पर पैदल घूमना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर कई बदलाव किए गए हैं। अब क्रॉस पाथवे को देख लीजिए, पहले ये कच्चा सा नजर आता था, बैठने की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब दूसरी यानी कि जो अब की तस्वीरें रीसेंट तस्वीरें देखिए, यहां पर बैठने के लिए बाकायदा जगह बनाई गई है, लोगों को वॉक करने के लिए जगह बनाई गई है, ग्रीनरी बढ़ा दी गई है। और देखिए एक अब बेंच की तस्वीरें देखिए, पहले यह बेहद पुराना और खुरदुरा सा नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी जो तस्वीर आप देखें इसमें पूरा बदला हुआ यह नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।